नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर। दोस्तों, काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम आ रही है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो ई फिलिंग की वेबसाइट है उसके ऊपर आधार कार्ड को लिंक करते वक्त तो प्रॉब्लम यह आ रही है कि उनका नाम जो आधार कार्ड के अंदर अलग है और पान कार्ड के अंदर अलग है। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, इसके लिए मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो ऐसे में आपको सबसे पहले यहाँ पर लॉगिन करना होगा। आप अगर रजिस्टर्ड यूजर नहीं है तो एक बार रजिस्टर कर लीजिए, उसके बाद लॉगिन करिए यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर लिंक आधार कार्ड का यहाँ पर एक लाल रंग का मेन्यू ग्लो हो रहा है, आप इसे क्लिक कर लीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे आपको एक फॉर्म खुल जाएगा, वही सेम फॉर्म खुला हुआ है जो कि आप नॉर्मल केसेस के अंदर आपका खुलता था। ओके, तो यहाँ पर आपने लिखना है पान कार्ड नंबर, एग्जैक्टली सेम पान कार्ड नंबर, आधार नंबर सेम लिखना है आपने। उसके बाद आधार कार्ड के अंदर जो आपका नाम है वो एग्जैक्ट नाम है आपने यहाँ पर लिखना है, कोई भी आपने स्पेस छोड़ा नहीं है। अगर लेटर छोटा है तो छोटा लेटर, अगर कैपिटल लेटर है तो कैपिटल लेटर आपने लिखना है, और बिल्कुल सेम नाम आपने यहाँ पर लिखना है। और उसके नीचे देखिए एक और यहाँ पर नीचे दिया हुआ है कि आई हैव ओनली ईयर ऑफ बर्थ इन आधार कार्ड। कभी कभी क्या होता है, किसी की जो आधार कार्ड के अंदर ओनली बर्थ डेट की जगह पर सिर्फ ईयर लिखा होता है, मतलब 1985 या 1990 ऐसे लिखा होता है, तो ऐसे केसेस में आपको यहाँ पर टिक मार्क करना है। इस जगह पर आपने यहाँ पर टिक मार्क कर देना है, और अगर आपका ये केस नहीं है तो आपने यहाँ पर टिक मार्क हटा देना है। तो उसके बाद आपने नीचे आपका इमेज वेरिफिकेशन करना है, आप सिंपल सा कैप्चा है उसे फिलअप कर दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप ओटीपी रिक्वेस्ट करें तो आपने ओटीपी यहाँ पर मंगाना है। दोस्तों, अगर आपका नाम अलग है, अभी बात आती है कि आपका नाम जो पान कार्ड के अंदर अलग है और आधार कार्ड के अंदर अलग है, तो इसमें कुछ शर्तें हैं कि अगर आपका नाम दोनों के अंदर अलग अलग मतलब कितना परसेंट होना चाहिए। तो इसके लिए आपको मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि देखिए आपका नाम अगर पान कार्ड के अंदर राहुल है, लेकिन आपका नाम अगर आधार कार्ड के अंदर अगर मनीष होगा, तो आपका कभी भी आप इनकम टैक्स की ये साइट के ऊपर आप आधार कार्ड लिंक नहीं कर सकते। लेकिन आपका नाम अगर राहुल है और पीछे अगर आधार कार्ड के अंदर राहुल भाई किया हुआ है या फिर राहुल कुमार किया हुआ है तो ये चल जाएगा। अगर कोई लेडीज़ के अंदर जैसे गुजरात के अंदर भाई बहन ये सब पीछे लिखा जाता है, और बाकी स्टेटों में जहाँ पर देवी लिखा जाता है, किसी के पीछे कौर लिखा जाता है पंजाब के अंदर, तो ये सब जो मिसमैच है छोटे छोटे वो चल जाएंगे। एक आध स्पेलिंग की अगर मिस्टेक होगी, बीच में से कोई लेटर छूटा होगा, तो वो चल जाएगा आपका। लेकिन नाम अगर बिल्कुल ही डिफरेंट है तो आपका आधार कार्ड कभी भी लिंक नहीं होगा। उसके लिए आपको आधार कार्ड प्लस पैन कार्ड दोनों की बर्थ डेट बिल्कुल एग्जैक्टली सेम होनी चाहिए। ये एक मेन आपका पॉइंट है जो कि आपको नोट करके रखना है कि आपका अगर डेट ऑफ बर्थ सेम होगी तभी आपका आधार कार्ड यहाँ पर लिंक होगा। तो आपने देख लिया क्या क्या आपने इसमें शर्तें हैं, वो आपकी शर्तें पूरी होनी चाहिए। उसके बाद आपने यहाँ पर अपना ओटीपी मंगाना है। अगर आप इस केस में आपने हमेशा अपना ओटीपी यहाँ पर मंगाना है, आपने इमेज वेरिफिकेशन भी कीजिए और नीचे रिक्वेस्ट ओटीपी के ऊपर भी आप यहाँ पर क्लिक कीजिए। उसके बाद लिंक आधार कार्ड के ऊपर आप अपना रिक्वेस्ट कर दीजिए। तो आपको दोस्तों उसके बाद क्या आएगा, आपने जिस नंबर के ऊपर जिस मोबाइल नंबर को आपने यहाँ पर दिया हुआ है इस वेबसाइट के साथ में लिंक किया हुआ है, उस नंबर के ऊपर आपको दो लिंक दी जाएगी। उस दोनों लिंक के अंदर 5 मिनट के बाद में आपको वो लिंक मिलेगी, और वो लिंक आपको ये जाहिर करेगी कि दो आपके नाम है, एक आधार कार्ड के अंदर और एक पैन कार्ड के अंदर, दोनों में से आप कौन सा नाम सही आपका है वो नाम पे ऊपर आपने क्लिक करना है और उस नाम को आपने वहाँ पर वेरीफाई करना है। तो उस लिंक के ऊपर आप क्लिक कीजिए और उसे वेरीफाई कर दीजिए। उसके बाद आपका 5 मिनट के बाद में आपको एक मैसेज आएगा, अगर आपका सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है तो आपको वो सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है ऐसे करके मैसेज आएगा, और आपका ये आधार कार्ड जो है वो इनकम टैक्स की ई फिलिंग वेबसाइट के ऊपर लिंक हो जाएगा। तो दोस्तों, ये छोटी सी प्रोसेस है, इसको आप ध्यान से लिंक कराते टाइम थोड़ा ध्यान दीजिए। और अगर आपका नाम में ज़्यादा मिसमैच है तो आपको अपना आधार कार्ड
का या पैन कार्ड का, आपको वहाँ से यूआईडी का, आपने जहाँ पर वेबसाइट है आधार कार्ड की और पैन कार्ड जहाँ पर बनाते हैं वहाँ पर आपने उसका, आपका नाम में जो भी गड़बड़ी है उसको आपको फिजिकली चेंज कराना पड़ेगा। अदरवाइज छोटे मोटे अगर मिसमैच है तो आपके यहाँ से हो जाएगा आपका वेरिफिकेशन और आप इजीली यहाँ पर वेरिफिकेशन कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वेरिफिकेशन होना ज़रूरी है और आपको ITR बनने के लिए ये काफ़ी, ये एक शर्त रखी गई है कि आपका आधार कार्ड जो है वो इनकम टैक्स की ई फिलिंग वेबसाइट के ऊपर लिंक होना ज़रूरी है। तो अगर आपको ये मेरा वीडियो और मेरी जो जानकारी है आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।